नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर इतिहास रच दिया। गुरुवार को लाल किले से सूर्यास्त के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। कार्यक्रम इतना भव्य था कि सबकी निगाहें लाल किले पर टिकी थी। तैयारी इतनी खास कि हर कोई इसे ऐतिहासिक लम्हा बता रहा था। वैसे सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूढ़ियां और परंपराओं को तोड़ने और गढ़ने के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ऐसा काम किया जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित किया हो। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर देश को संबोधित किया। अब तक सभी पीएम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को सुबह संबोधित करते आए हैं। सिखों के 9वें धर्म गुरु गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर गुरुवार को लाल किले में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को लेकर सिख संगीतकारों ने कई परफॉर्मेंस दी तो विशेष लंगर का आयोजन भी किया गया। ऐसे में चारों तरफ सिर्फ भव्यता नजर आ रही थी और आस्था का माहौल बनते हुए दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक स्मरणीय सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। ऐसे में हर पहलू से हर इस मौके को यादगार बनाया गया जिसकी हर तरफ चर्चा की जा रही है। इस कार्यक्रम में 400 सिख जत्थेदारों के परिवारों को भी आमंत्रित किया गया था जिनमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लोग भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए दिल्ली के लाल किले को ही क्यों चुना? वो कौन सा इतिहास है जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करने की ठानी, तो इसके पीछे की कहानी भी जान लेते हैं। दरअसल इसी किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया था। इसी वजह से लाल किले को ही श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।